केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर कैसे बने, इसीलिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। शिवराज ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के हित के लिए कृत संकल्पित है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, मोदी कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया, भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में हम कैसे खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। हमारे यहाँ ऑयल सीड्स का उत्पादन काफ़ी कम है, इसीलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, बीडर्स सीड्स उसे फाउंडेशन सीड्स, फिर सर्टिफाइड सीड्स बनाकर किसानों को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। 6,000 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से हमारे यहां अभी जो ऑयल सीड्स हैं उनका उत्पादन काफी कम है, और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 600 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि किसानों को उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे, 100 हमारे बीज केंद्र बनेंगे, बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएंगी, और राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, इंटरक्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे। उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे, अभी 35 है, तो कुल मिला के 100 हमारे बीज केंद्र बनेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएगी, और उन राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, जैसे धान खरीफ की हो गई तो बाद में खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें नमी इतनी रहती है कि धान के बाद ये फसलें ली जा सकती है। इंटरक्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे, कपास है तो उसके बीज में सोयाबीन, अलग अलग फसलों के बीच में ये फसलें लगाई जा सकती है, और पूरी खरीद किसानों से करेंगे। एक बड़ा फैसला ये कल हुआ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।